इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पे हम लोग आए हैं टॉयलेट लेने, करता बच्चा यहाँ पे ना सेल्फी पॉइंट। बैंक की जॉब उतनी नहीं अच्छी लगती, लेकिन यहाँ पे लॉक की। गुड मॉर्निंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज पता है मुझे नाश्ता नहीं बनाना, इसलिए थोड़ा खुश हूँ क्योंकि आज हम लोग जाएंगे इनके ऑफिस इनकम टैक्स। तो हमारी कॉलोनी के बगल में ही है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, और वहीं पे आज कुछ ना कुछ खाने पीने को मिलेगा। इसलिए फिलहाल मैंने श्रीजा को दूध और केला दे दिया है। दूध केला मैं डेली इसलिए देती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतली है, तो लोग कहते हैं दूध केला खा के थोड़ा मोटी हो जाए, और केला वो अकेले एक केला तो खा ही नहीं सकती क्योंकि उसके मुंह में ना ठूसना पड़ता है सारी चीज़ें। तो अभी ये मैंने कर लिया है। श्रीजा के लिए दाल बनाई है, श्रीजा के लिए यहाँ पे लौकी टमाटर और अरहर की दाल लाइए। अभी उसका बॉटल गर्म करना है, तो पानी चढ़ा दिया है, आटा लगा दिया है, कुछ काम मैं कर ली। काम रोटी सेकना है, तो पहले रोटी सेक देती हूँ, बट उसकी बॉटल वगैरह धुल दूँ, और क्या कहते हैं वहाँ से आके ना मुझे काम ना करना पड़े, सबसे बड़ी चीज़ रिलैक्स रूम में, इसलिए ना फटाफट मतलब सारे काम निपटाती हूँ। फिर आज आपको मैं दिखाऊंगी इनका ऑफिस कहाँ है और कैसा है। बहुत सुंदर ऑफिस है, आज के दिन पता नहीं अच्छे से डेकोरेशन हुआ, बट लास्ट टाइम मैं शायद गई थी जब इनकम टैक्स डे था तभी गई थी। फिर इधर आके काफ़ी दिन हो गया मैं ऑफिस नहीं गई हूँ, वरना जिम भी ऑफिस के अंदर ही है अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। एक्साइटेड हो आप लोग ऑफिस देखने के लिए? मेरे साथ क्या हुआ, रोटी जो मैंने बनाई थी वो इन्होंने खाई नहीं। जब मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो ये कहेंगे तुम बनाई नहीं हो ये वो, और आज मैंने बना दिया था तो कह रहे हैं कि आज तो अच्छे से खा के आ गया हूँ ऑफिस से, आज लंच नहीं करूँगा, बस इनका नाश्ते से ही काम चल गया। और रात में हमें पार्टी में भी जाना था, तो मेरी रोटी ना गाय खाएगी, तो चलो कोई बात नहीं। बट मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब मैं नहीं बनाती तो ये कहते हैं, और जब बना दो तो नहीं खाना होता इनको। इससे तो अच्छा मैं बैठ के अपनी पढ़ाई लिखाई कर लेती, मैंने फर्जी सारी मेहनत कर ली, बट यही था कि चलो कोई बात नहीं। आज शायद गाय की किस्मत में लिखा हुआ था मेरे हाथ की रोटी खाना। सो गाइस यहाँ पे जल्दी जल्दी काम इसीलिए ख़त्म हो रहा है क्योंकि मुझे तैयार भी होना है, और मैं क्या पहनूँ सबसे बड़ा क्वेश्चन कि यही रहता है ना। और आपको मैं सच बताऊँ, 2 साल हो गए जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब से लेकर के श्रीजा अब 1 साल की होगी, मैंने एक टॉप नहीं खरीदा है, मतलब मैंने कुछ भी अपने लिए नहीं खरीदा है। बस हाँ प्रेगनेंसी में जो फ्रॉक मैंने 3-4 ऑर्डर करी थी वही करी थी। और आप लोगों ने आज के दिन क्या क्या करा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस टाइम पे जो स्कूल के टीचर होंगे उनको तो पुराने दिन अपने याद आ जा गए होंगे, सभी कितनी मस्ती कर रहे होंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। और आप लोगों को पता है स्कूल में हम लोग तो डांस प्रोग्राम होता था, बहुत सारी चीज़ें करते थे, मतलब एक ना अलग एक्साइटमेंट होती। अब ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ 15 अगस्त, इनफैक्ट डेट भी नहीं याद होता है श्रीजा के बाद से कि आपको कौन सा दिन क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी नहीं याद रहता है, बस काम करो काम करो काम करो। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप एक टीचर होते हो तो अपनी लाइफ को वैसे जी लेते हो जैसे आपने अपने स्टूडेंट लाइफ जी होगी, एंजॉय किया होगा। आप टीचरों के अलावा मतलब मुझे लगता है और कोई ऐसी जॉब नहीं होती जिसमें आप अपनी आप को एंजॉय कर सकते हो, अपना बचपन देख सकते हो, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। और इसलिए ना मुझे सबसे अच्छी जॉब लगती है टीचर की, जो मतलब मेरे घर में भी लोग कहते हैं बैंक टीचर, लेकिन मुझे बैंक की जॉब उतनी नहीं अच्छी लगती बिकॉज आप 24 घंटे में जितने घंटे भी ऑफिस में रहोगे आपको बैठना पड़ेगा कैमरे की नज़र में ये वो। बट टीचर की जॉब मुझे ना एकदम अलग रिलैक्स वाली लगती है। कभी यूपी में वैकेंसी आएगी पता नहीं क्या होगा, और वैकेंसी आए तो आए, बट वैकेंसी ना आए अगर तो एक चीज़ है कि हम अभी ये बोल सकते हैं कि वैकेंसी नहीं आई इसलिए बेरोजगार बैठे, बट अगर वैकेंसी आ जाए और फिर किसी का सिलेक्शन ना हो तो फिर तो और तगड़ी बेइज्जती होगी कि अब सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, अब तो वैकेंसी आ गई, इतने दिन तो तुम यही कह थी कि वैकेंसी नहीं आ रही वैकेंसी नहीं आ रही, आ गई वैकेंसी तो क्या ही तीर मार लिया ये सारी चीज़ें। और जो शादीशुदा लोग होते हैं हे भगवान, उनका तो मायके वालों का प्रेशर गायब ही हो जाता है, ससुराल वालों का इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है क्या ही करा जा सकता है। और पता है मेन चीज़ ये होती है, अगर आप कितना भी पढ़े लिखे हो और नौकरी नहीं पाए हो तो फिर यही होता है कि आप एक उनके बराबर आपको तौल दिया जाएगा, बल्कि आपके विचारों को नहीं देखा जाएगा और कुछ नहीं देखा जाएगा, बस ये मान लिया जाएगा कि हाँ आपने मतलब जो भी पढ़ाई करी, काम तो झाड़ू पोछा कर रहे हो, वो बिना पढ़े झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करने लगती हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये टी शर्ट मैंने पहनी है, ये भी मेरी प्रेगनेंसी टाइम की, बट बहुत ही कम्फर्टेबल है। हाँ किचन के काम फटाफट मैंने अभी निपटा दिए, श्रीजा मेरे पास खड़ी, इसको खाना है कुछ
अच्छा आप लोग ये बताना, आपके बच्चों ने बोलना स्टार्ट कर दिया? श्रीजा ध्यान से सुना आप लोगों ने, तो श्रीजा बस अभी ऐसे ही बोलती श्रीजू। सो गाइस श्रीजा तैयार हो चुकी है यहाँ पे अपने पापा के ऑफिस जाने के लिए। कैची लग ली हो मैं, पता तो ये काला टीका मेरे यहाँ लग गया इनका। मैंने ये सिंपल सी सैंडल निकाली है और मुझे कुछ समझ में नहीं आती इतने का पाड़ो में से। वो मेरे शूज है ना जो, इसका आज तक कोई यूज नहीं हुआ है, कहीं मुझे घुमाने नहीं लेके जा रहे हम क्या पहन ले। ये मेरा लुक, मेरा सूट जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है बट मुझे आ गया, मुझे इससे अधिक खुशी और कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि हम सोचे थे कि मुझे ये सूट आएगा कि नहीं आएगा, आ गया, खुशी हो रही है अब। ये मेरी सुजन दादी जो हमेशा मेरे ब्लॉग में रहती है, उनकी बिटिया। इंडिपेंडेंस डे पाउडर ज़्यादा तो नहीं पोत लिया? नहीं नहीं ठीक है। मेकअप में ना पाउडर लगाया था वो भी श्रेजा का हिमालया था, और लिपस्टिक बिंदी बस। उसके बाद मैं ऐसे तैयार हो गई थी, वही मैं पूछ रही हूँ। और ये हमारी कॉलोनी का सीधा जो ब्लैक वाला गेट दिख रही है, ऑफिस का गेट है, तो बस सीधे जाओ ऑफिस पहुँच जाओ। साथ में यहाँ पे थोड़ा सा हॉल टाइप का है बट यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था होगी आपकी। और बगल में मल्टीपर्पज़ हॉल है बट हम लोग जाएंगे ये यहाँ से सीधे, रेड कारपेट बिछा हुआ है हम लोगों के लिए स्पेशली। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा उसके बाद ऑफिस के अंदर। हम लोग चाहते तो बाहर से भी जा सकते थे बट ऑफिस के अंदर से पास पड़ेगा हम लोग को, थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा, तो इसके अंदर से ही हम लोग होके गए। और काफ़ी अच्छा डेकोरेशन था बट यहाँ पे पता है साइड में रंगोली बनी हुई थी, वो हम लोगों ने देखा। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं किधर से, आपका फाउंटेन वगैरह, और ये पूरा एक गार्डन टाइप का है बहुत ही बड़ा सा। तो यहाँ पे हो रहा है सारा फंक्शन, तो बस अब हम लोग इसके अंदर एंट्री मारते हैं। यह श्रीजा से 3 या 4 महीने की बड़ी बेटी है, इसका नाम है यशु यशस्वी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूट सी है। और ये मेरे साथ खेल रही थी, कैप लगा के आई थी, इसका मुंडन हुआ है तो मैं ना ऐसे कैप लेके से खेल रही थी। और श्रीजा अपने पापा के पास में इस टाइम पे, उसके पापा उसे गोदी लिए हुए थे क्योंकि मैं लेट पहुँची। हम सब लेडीज आराम से तैयार होकर पहुँच रहे थे और 9 बजे झंडा रोहण करने का टाइम था, तो इन लोगों को टाइम पर जाना था। और फिर जाओ झंडा रोहण ना करो तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो बस यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था, बच्चे बहुत ही अच्छे से गाना वाना गा रहे थे। मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया, क्या पता कॉपीराइट आ जाए इस डर से। और बाकी सारा फंक्शन यहाँ पे ना इतने अच्छे से बच्चों को गिफ्ट वगैरह मिलते हैं। यही था ना, ये वाला फंक्शन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि फेसबुक इंस्टा इन सब से रिलेटेड करके ना। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, कल एग्ज़ाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ मामा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मामा ये एक्ट इतना अच्छा था, आज की जनरेशन के लिए एकदम परफेक्ट था कि मम्मी और पापा लोग अपने ऑफिस में बिजी, कामों में बिजी, फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप पे बिजी, और मुझ जैसे लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाने में बिजी, तो अपने बच्चों का ध्यान नहीं देते हैं। बट मैं यूट्यूब को साइड रखती हूँ, आप लोगों को पहले बता दूँ, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी श्रीजा मेरी फैमिली है, सेकेंड नंबर पर आता है मेरा करियर, जो कि चलो जब तक जॉब नहीं लग रही तब तक यूट्यूब को मान सकते हैं, बट पढ़ाई भी है मेरे साथ में। सो गाइज अभी श्रीजा मेरे पास आई है, उसने मुझे देख लिया और उसको इतना ज़्यादा बदमाशी करने का मन कर, तो बहुत ज़्यादा खेल ली थी, मतलब उसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। बस उसे झंडे चाहिए थे, बलून्स चाहिए थे, ये सारी चीज़ें तो बच्चों में होती हैं। इन सब बच्चों को देख के मतलब ऐसा लग रहा था कि पूछो मत, इतना ज़्यादा टैलेंटेड, इतनी प्यारी आवाज़, इतने अच्छे से गाना गाना, हर चीज़ करना। कुछ बच्चे पियानो बजा रहे थे, कुछ तो उन सब चीज़ों को देख के लग रहा है हम लोग तो उस टाइम पे कुछ जानते ही नहीं थे, अब के बच्चे बहुत ही एडवांस हो गए हैं। फंक्शन कम्प्लीट हो चुका है, यहाँ कुछ है अच्छा, ये प्यारी सी रंगोली। श्रीजा तो अभी हम लोग खाने के लिए लाइन लगाए हुए, बड़ी लंबी लाइन है यहाँ पे।
खाने पिए। इसको भी अंदर चुप है, बाहर हो रहा था, बाहर बहुत गर्मी। खाने की वीडियो तो मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि सृजा के साथ में पता है पहले वो जल्दी जल्दी खाए फिर हम जल्दी जल्दी खाए, इस चक्कर में वीडियो नहीं बन पाई। और यहाँ पे ना सेल्फी पॉइंट बना हुआ था जो कि हम लोग सबसे लास्ट में आए क्योंकि स्टार्टिंग में अपना बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, फिर लास्ट में जब खाना वाना खा के हम लोग वापस जा रहे थे घर तो वहाँ पे भीड़ नहीं थी। फिर हम लोगों ने अच्छे से आराम से खूब सारी सेल्फी ली और फिर पता है क्या होता है फ़ोन की मेमोरी फुल होती है, बट उस टाइम पे इतना क्रेज़ होता है कि नहीं फ़ोटो खिंचा लेते हैं फ़ोटो खिंचा लेते हैं। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है और सब लोग लगे पड़े। यहाँ श्रीजू है, श्रीजा आज खूब परेशान करी मुझे, तब से गोदी लिए लिए मेरा हाथ दर्द हो गया। और ये बलून लिया है श्रीजा ने, मुझे कैसे लगा पापा के ऑफिस आके, कान्हा को ले दीजिए घर, मम्मा के तो ऑफिस ही नहीं है कोई, तुम कहाँ जाओगे? कितना ध्यान से देख रही सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं तो, है ना श्रीजा? श्रीजा नो, ऐसे गंदी बात होती है, वेरी गुड, ऐसे करो श्रीजा। और अब ये बगल वाला क्वार्टर मेरा है कि जो कि एकदम कॉलोनी के आगे हो गया है। पहले हमारा क्वार्टर कॉलोनी के पीछे टाइप 2 का था बट हमारे यहाँ अब टाइप 3 में हो गया है। बाबू को रिमोट चाहिए, कार नहीं। अले टीचर ब्लॉगर श्रीजा चौधरी, हाय हाय कर रही है, हाय। सो जल्दी तुम्हें भी ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें बोलना आना चाहिए पहले। तो हाँ बस अभी, हाँ हाँ तो बस अभी मैं ना रूम क्लीन करने जा रही हूँ और ये फो कैमरे के चौकी ना बोलो। तो मैंने बेड पे ना ये पॉलीथीन वाली सीट डाल के रखी है ताकि ये सूसू वगैरह कुछ भी करे तो ना गद्दा ना खराब हो, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है यार, मुझे टेंशन नहीं रहती है इसके बाद कि बेड पे सूसू करेगी कि क्या होगा दिक्कत। और इसका प्रिंट भी बहुत ही प्यारा है, आप लोग देख सकते हो। ये मैंने शायद पता नहीं याद नहीं मुझे कि ऑनलाइन ली थी या ऑफलाइन ली थी, बट ये 500 रुपए की थी और पैसा वसूल है। जब से आई मैंने एक दो बार इसे वॉश किया है और नीचे से ये थोड़ा थोड़ा निकलता है तो ऊपर से कुछ ऐसा नहीं है, इसलिए मुझे ये सही लगता है। और ये मैंने बेडशीट मंगाई, और ये वाली बेडशीट मैंने मंगाई थी जिसकी मुझे आ रही हूँ श्रीजा कहाँ हो, फ्लिपकार्ट से मिली थी 208 या 210 रुपए की, और ये कॉटन की है, बहुत ही अच्छा इसका प्रिंट था फोटोज़ में, तो अब देखते हैं ये रियल में कैसी आती है। पता है जब मुझे ना कमरा वगैरह या पूरा घर क्लीन जब तक नहीं रहता, मॉर्निंग में तो सब पूरा बिखरा ही रहता है, आ रही बाबू, तो जब तक ये क्लीन नहीं होता है ना तब तक मैं इसको छोड़ देती हूँ, जितना गंदा करना है ना आराम से कर ले, मनो पानी में खेले मनो जैसे भी खेलना है सजा को खेले कूदे। अच्छी आई यार, मतलब ऐसी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा फिसलन वाला कपड़ा नहीं है, डायरेक्ट बिछा दे ये वाली चादर की धुलना पड़ेगा, धुले क्या एक राउंड ऐसे ही कर लें, दो दिन ही चलती है। लो ये कह रहे हैं धुल के बिछाओ, फिर ठीक है धुल के ही बिछाएंगे इस, तो मैं आपको दिखा दूँ ये वाला वाइट प्रिंट का ही मैंने मंगाया है, बहुत ज़्यादा डार्क, पता चले चीटी विटी हो तो पता नहीं लगता है ना उसमें। आ रही हूँ श्रीजा, पता नहीं कहीं चिल्ला रही खेल रही जब भी उसे गोदी आना है। और ये है बेड सीट का प्रिंट, अच्छे से आप लोग देख सकते हो, फोटोज़ में अच्छी थी, वापस नहीं करूँगी, ठीक है लास्टिक वाली है तो सेट हो जाएगी। मेन चीज़ है ना इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा फिसलने वाला नहीं, क्योंकि ये वाली जो मेरी बेड शीट थी ये भी लास्टिक वाला, ये मैंने ऑफलाइन लिया था, बट इसका कपड़ा ना बहुत ज़्यादा फिसलता है, मुझे ऐसा चाहिए जो बेड पे एकदम आराम से चिपक जाए। तो चलो इसको वॉश कर देते हैं फिर बिछाएंगे, ये हटा देते हैं साइड में, अगर भैया मेरे पास वॉशिंग मशीन ना होती तो मेरा क्या होता।
मैंने वही पुरानी अपनी बेडशीट बिछा दी, और पहले ना मैचिंग के पिलो होते थे मेरे बेड पे, तो ये वाला पिलो इसके साथ का था, ये मेरी पेन किंग है। बाकी ये अब देखो 1 2 3 तीन कलर के पिलो मिलेंगे आपको 4 पिलो में से। सो गाइस यहाँ पे हम लोग आए हैं टॉय लेने, क्योंकि मेरे को एक बर्थडे में जाना है, हम और हमारी फ्रेंड आए हैं, और ये क्यूट वाला रौनक है जिसने मेरी वीडियो वायरल कराई थी। तो कह रहे फुटबॉल क्या हुआ, नीचे जा रहे? तो ये भी नीचे ही जा रहे हैं, लेते जाइए हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 गिफ्ट पसंद किए, एक ये और एक ये ट्रेन सृजा के लिए भी ले सकते हैं, वो जो चलती है ना तो देखा करता है बच्चा। तो अभी 2 गिफ्ट हमने लिए पर डिसाइड नहीं कर पा रहे, एक कैरम है एक ट्रेन है, क्या लेना है बस चल के देखते हैं। नीचे बिलिंग कराने सृजा अपने पापा के साथ है, और मैं मेरी दोस्त के साथ हूँ पीछे। और सारा खाना भाभी ने घर पे खुद ही बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था, इतने सारे लोगों का खाना। सृजा अभी सो चुकी है और मेरे गाल पे सृजा का काजल लग गया है, तो अब मिलती हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। कल स्टडी ब्लॉग आएगा, कल मैं पढ़ाई करूँगी। आज 15 अगस्त था तो आज़ादी वाला दिन था, पढ़ा नहीं बट बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और यार पता है ना, इनकम टैक्स ऑफिस में एक अलग क्लास होता है, मतलब एक ना अलग ही माहौल होता है वहाँ पे लोगों का, वहाँ जो जॉब करते हैं एक मतलब स्टैंडर्ड दिखता है, वो चीज़ कल मुझे लोगों में दिख रही है ऐसे करके, हाँ ये CC सर हैं, ये ITO हैं, ये फलाना ढमकाना ऐसे करके ना, वो अलग चीज़ दिखती है काफ़ी अच्छा, मतलब एक मोटिवेशन भी होता है। अब तो लड़कियाँ बहुत सारी आ रही हैं सीजल में, आप लोग भी सीजल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं सीजल से रिलेटेड ब्लॉग बनाती हूँ, आप लोग के क्वेश्चन कुछ होते हैं तो बताती हूँ। और आप लोगों ने स्टैनो का मुझसे कहा है क्वार्टर दिखाने को, अभी ज़्यादा मैं वेट कर रही हूँ कुछ दिनों का, बस जल्दी दिखाऊंगी आपको स्टेनोग्राफर का भी क्वार्टर, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा सृजा की वजह से, क्योंकि हमारी जो लाइन है वो स्पेक्टर वाली लाइन है, और जो इनकम टैक्स TA और स्टैनो की लाइन है वो इस टाइम पर पीछे वाली लाइन है, तो इस चक्कर में अभी दिखा नहीं पा रही हूँ। जब मैं जाऊँगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए बाय गाइस, मिलती हूँ आपसे कल, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों से शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बाय बाय, हिचकी बहुत आ रही है, पानी पी लेते हैं। कौन याद कर रहा है मुझे, आप लोग? हाँ हाँ याद आया मुझे, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कब मुझे लाइव आना है। दिन आपका सैटरडे संडे रखते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे को ये भी घर पर होंगे तो आराम से हम तीनों लोग लाइव आएंगे। ठीक है बाय गाइस।